प्लीज आपने एक से एक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से अपने बोमू 360 ब्लॉग डेली ब्लॉग में आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस टाइम सुबह देखे 5 बजने वाले हैं और मैं हजरतगंज में मौजूद हूँ मेन चौराहे पे, जहाँ दिन में इतना ज़्यादा से इतना ट्रैफिक रहता है कि आप समझ सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं रहती। लेकिन सुबह देखिए कितना सुनसान है, बेचारे एक रोज़मर्रा के काम करने वाले रिक्शे वाले मजदूर किस तरह से देखिए अपनी नींद की आगोश में। मॉर्निंग का टाइम है लेकिन हम अपने डेली ब्लॉग में निकल चुके हैं आपके लिए, एक नया कंटेंट सुनने के लिए, एक नया जो भी है आज जो भी दिन भर की गतिविधियाँ उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो बस हम यही चाहेंगे गाइस कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए जो भी हम करते हैं या दिखाते हैं पूरे दिन की गतिविधियों को। तो आज भी कुछ कहीं हमें जाना है, कुछ दिखाना है, इसके लिए हम सुबह निकल पड़े हैं। तो बस हम यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल में और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए गाइस। तो एक बार फिर से आपका दिन शुभ हो, आज सारा दिन आप लोग हैप्पी रहे, इसी दुआओं के साथ हम आपको बाय करते हैं और अपने काम के लिए निकलते हैं। तो गाइस बाय। तो दोस्तों एक बार देख सकते हैं मैं इस टाइम में एक वृंदावन योजना है सेक्टर 9 में खड़ा हूँ और यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा है, यहाँ इतनी ग्रीनरी है, इतने पार्क है, देख के मैंने कहा लाइए यहाँ का भी कुछ व्यू कैप्चर करूँ, जो ही काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और मेन बात यह है कि यहाँ की ग्रीनरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं कम से कम यहाँ मान के चलिए 1-2 घंटा यहीं पर ही घूमता रहा पार्क में और यहाँ का नज़ारा लेता रहा। तो गाइस देखिए आज और क्या है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, तो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आप इसी तरह हमारे इसी चैनल पे बने रहिए बोमू 360 डेली व्लॉग पे और हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं, कुछ और भी देखते हैं इस सेक्टर में क्या क्या है, आइए हम देखे होंगे। लेकिन ये लॉन को देखिए कि अजीब तरह का ये लॉन है, देखिए कितनी अच्छी नक्काशी, कितना बढ़िया बनाया है। तो हम एक जगह यहाँ पर आए हुए हैं, ये लिच्छी भवन है, यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ देखिए इसने कितना अच्छा मतलब डेकोरेट कर रखा, लोकेशन बना रखा है कि हमने कहा लाइए इसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ये मतलब आर्टिफिशियल है ये और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है इस तरह से उन्होंने बनाया है। तो हम जहाँ भी इसे चीज़ जाते हैं तो कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसको बनाते और दिखाते हैं। तो गाइस आप इसी तरह बने रहिए और इसे देखते रहिए, देखते हैं अब कितना बढ़िया बना रखा है। ये दिल इतना खुश हो गया कि आप लोग भी अगर आपके घर के आगे जगह है तो आप इस तरह से बनाइए और बड़ा अच्छा लग रहा है इसे देख के एकदम, बिल्कुल मतलब जो लग रहा है कि इसे एकदम है ये आर्टिफिशियल एकदम। और उन्होंने अपने डेकोरेट कर रखा लॉन में, हमें बड़ा अच्छा लगा तो हमने इसका तुरंत वीडियो बनाया और आपको दिखाया। हेलो गाइस आप देख सकते हैं आज ये छोटी इसका बर्थडे है, इसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम हम भूल गए, ठीक से बताइए अपने घर वालों को क्या नाम है और ये कौन है आपकी सहेली। ओहो इनकी बहन भी हो गई, आज बर्थडे में इनकी बहन हो गई, आज जब केक काटेंगे तो बहन के मुंह में लगाना कहते थे, ठीक है तब होगा क्यों ना नहीं होगा। तो भाई इनके यहाँ डेकोरेशन सजावट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जो है केक काटेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए। आज बातें बहुत निकल रही है, मेकअप होके पूरा बैठा तो बैक टू चैनल बता रही है, आगे पीछे इनका आवाज से मुँह नहीं निकलती है, चाहे मुँह जैसा बना लो रहेगा ऐसे ही, हम बिना मेकअप के ऐसा ही है, स्ट्रेट नहीं है, अभी गर्म करके चिमटा कर स्ट्रेट कर लो, गोल गोल घुमा लो स्ट्रेट हो जाएंगे। कुछ भी बोलना है, बोलना क्यों नहीं अपने चैनल, अपने गायल को कोई अपने ना जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए, कैसे लिख रही हूं मैं, बिल्कुल आप समझ के वो लग रहे हैं ना, बात इशारों में बात हो गई, जो लग रहा है उनको पता चल गया, ज्यादा आप अपने आप को ना बताइए, घूमने नहीं जाएंगे, चैनल डल चुका है और आपका ब्लॉग भी डल चुका है। तो गाइस और कमेंट करके देखिए कि कैसी लग रही है बताइएगा, ठीक है आपको। तो गाइस अब बाय, हम बर्थडे वाले बनाएंगे इनका नहीं बनाएंगे।